we have done the chapter, and today I'm here with difficult words, meaning and their pronunciation as well. So let's get started. The first word is archipelago, and we have already discussed ki archipelago means a group of islands. ठीक है, islands के समूह को हम बोलते हैं archipelago. Rushed होता है भागा, rush भागना, ये second form है. Rushed मतलब भागे या भागा, ठीक है, जल्दी से भागना. Chaos होता है बहुत ही अफरा तफरी वाली situation, हाहाकार वाली. Swept away, बह गया या बह गई, बह गए, तो swept away, sweep away मतलब बहना. Rescue होता है बचाना किसी को, कोई प्राकृतिक आपदा है वहाँ से, कोई बाढ़ में फंस गया है, कहीं भी फंसा उसको बचाना वहाँ से. फ्लोटिंग, फ्लोट होता है बेटा कोई चीज़ पानी की सतह पे जब तैरती है ना तो वो फ्लोट कर रही है, ठीक है. रिलीफ हेलीकॉप्टर मींस जो हेलीकॉप्टर, जब कोई भी नेचुरल डिजास्टर होती है तो उन हेलीकॉप्टर्स में आपको बचाया जाता है, या कोई राहत सामग्री भेजी जाती है, खाने का सामान, पहनने के लिए कपड़े, दवाइयाँ आदि, तो उनको हम बोलते हैं रिलीफ हेलीकॉप्टर्स. शोर होता है किनारा, समुद्र का किनारा, नदी का किनारा कोई भी, तो उसको बोलेंगे शोर. डेज होता है बहुत ही सदमे वाली हालत में, कंफ्यूजिंग सी माइंड की स्टेट रहती है, कुछ पता नहीं होता है, ठीक है. रिसीड होता है कोई चीज़ पीछे जाना, किसी की जो कोई मूवमेंट है वो पीछे की तरफ होना. जायंट, ह्यूज, दैत्यकार, बहुत बड़ा साइज में. क्लिंगिंग होता है चिपकना, जैसे वो वुडन लोग पे चिपक गई थी ना गर्ल, और क्लिंगिंग हम एक और पर्सपेक्टिव में, जैसे मेंटली किसी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होना तो भी क्लिंगिंग यूज़ करते हैं. प्लस अगर कोई किसी ने बहुत ही टाइट वाली ड्रेस पहनी हुई है तो उसमें, उसके लिए भी हम क्लिंगिंग वर्ड का यूज़ कर लेते हैं. अपरूटेड, जड़ से उखड़ जाना. वॉश्ड अवे, अगेन बह जाना. फेंटेड, बेहोश, फेंट होता है बेहोश हो जाना. सो नेक्स्ट इज़ ट्रॉमेटाइज्ड होता है बिल्कुल सदमे में, है ना, ट्रॉमा बहुत, मतलब मेंटली उसको बहुत झटका लगा है, सो सदमे में. स्ट्रक, कोई चीज़ टकराना. सदन ये आपको पता है दक्षिण दिशा की तरफ, मतलब सदन, बट इसको प्रोनंसिएशन इसकी सही करनी है, साउदर नहीं बोलना है, सदन. ओके, सदन. डेडली, बहुत भयानक. स्वेलिंग, कोई चीज़ का आकार बढ़ना, जैसे फूलती है ना कोई चीज़ वैसे, ठीक है. वर्लपूल, गोल गोल गोल. स्क्रीम, चिल्लाना. गेट ऑफ बेसिकली होता है नीचे उतरना, ठीक है, तो मतलब गेट ऑफ मतलब कहीं आप हो तो वहाँ से जाना भी, जैसे वो बीच पे थे तो वहाँ से गए थे ना होटल में. हिस्टेरिकल मीन्स आपका मतलब बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं है, आप इतने पैनिक हो गए हो, आपका अपने माइंड पे कोई कंट्रोल नहीं रहा है, अपने वर्ड्स पे कोई कंट्रोल नहीं रहा है, एकदम बड़ी पैनिक सी सिचुएशन में. फ्राइटेंट, डरा हुआ, डरे हुए. रिफ्यूज होता है जब आप एक जगह से बच के निकलते हो, किसी और जगह शरण लेते हो खुद को बचाने के लिए, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्यूज. सर्ज होता है बड़ी ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग सी मूवमेंट, है ना, जैसे वो जो वेव थी ना जायंट वेव, उसने क्या किया था, बिल्डिंग को टक्कर मारी थी एकदम, तो उसको हम बोलते हैं सर्ज. फॉरवॉर्न्ड होता है मतलब पहले ही चेतावनी दे देना, चौकन्ने कर देना. टेरिफाइंग टेल, बहुत ही भयंकर वाली स्टोरी. स्लैम देखो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में यूज़ होता है ना, स्लैम हम किसी को जब इंसल्ट करते हैं तब भी बोलते हैं, यहाँ पे स्लैम आएगा कि मतलब जो सुनामी थी उसने सब कुछ बिखेर दिया था, वो जो वेव्स थी उन्होंने हर जगह तबाही मचा दी. स्लैम मतलब वो टकराई थी जब बिल्डिंग्स वगैरह से, तो सब कुछ तहस नहस कर दिया था, राइट. फ्लैड बेटा सेकेंड फॉर्म है फ्ली की, ठीक है, FLEE, इसका मतलब होता है खुद को बचाने के लिए भागना. नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्लेमिंगो. सो फ्लेमिंगोज बेटा बर्ड होता है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है, ये बर्ड है, तो फ्लेमिंगो इनको बोलते हैं. अबंडेंट होता है किसी जगह को छोड़ के भाग जाना, चले जाना उधर से. ब्रीडिंग एरियाज, जहाँ पे कोई चीज़ की पैदाइश होती है, ठीक है, वहाँ पे पलते बढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रेमर्स होते हैं बेटा भूकंप के जो झटके होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेमर्स. एंटाइस्ड होता है बहुत ही अट्रैक्टिव, है ना, टेम्पटिंग. सो वी हैव पेरिश्ड होता है जब सडनली एकदम से कोई मर जाता है ना, तो सुनामी आई थी तो एकदम से मरे थे ना सारे, सो पेरिश्ड. और द नेक्स्ट वन इज कार्कसेस. सो कार्कसेस होती हैं एनिमल्स की डेड बॉडीज, राइट.
सो आई होप ये वर्ड्स अभी आपको क्लियर होंगे एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू ऑल आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम. सो टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग.